हाय गाइस, आई एम अदिति। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में मैं क्रिएट करने वाली हूँ दुर्गा पूजा नवरात्रि मेकअप लुक। इस लुक को आप सप्तमी, अष्टमी, नवरात्रि में किसी भी दिन क्रिएट कर सकते हो। ऑल्सो इस लुक को आप किसी भी फेस्टिवल में भी क्रिएट कर सकते हो, जो इंडियन फेस्टिवल है उसमें आप क्रिएट कर सकते हो। इस लुक को देखने के लिए लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, आई एम स्टार्टिंग विद दिस मेबिलिन प्राइमर। और ये इतना छोटू सा प्राइमर इसलिए है क्योंकि मुझे ना ये फ्री में मिला था। मैंने पर्पल से कुछ परचेज किया था, उसके साथ में होता है ना फ्रीबीज मिल जाते हैं कई बार, तो उसके साथ मुझे ये प्राइमर फ्री मिला है। प्राइमर विद क्ले लिखा है इसमें, मैट प्लस पोरलेस है, नॉर्मल टू ऑयली स्किन के लिए, प्लस इसमें SPF 20 भी है। तो आज मैं इसी प्राइमर को यूज़ करने वाली हूँ विद दिस प्राइमर। ये प्राइमर थोड़ा सा डिफरेंट है। ओ ओ ओ ओ ओ, पहले निकल नहीं रहा था और अब इतना निकल गया। ये एक्चुअली क्रीम बेस्ड प्राइमर है, जैसे जेल लाइक नहीं है। मैं फर्स्ट टाइम ही इस प्राइमर को यूज़ कर रही हूँ। खुशबू भी क्रीम के जैसे ही है। अब मैंने ज़्यादा निकाल लिया इसे, आप इतना मत निकालना। प्राइमर तो मुझे अच्छा लग रहा है एक्चुअली, थोड़ा सा स्टिकी है स्किन में। लुक एट दिस। लास्ट टाइम मैंने जो वीडियो क्रिएट किया था ना गरबा लुक, उसमें भी ये पिंपल दिख रहा था और अभी तक ये पिंपल गया नहीं है। तो दिस टाइम आई एम यूजिंग कंसीलर टू हाइड दिस पिंपल। तो मैं स्विस ब्यूटी का कंसीलर यूज़ कर रही हूँ एंड मेरा शेड इसमें है 03 लाइट मोयन। तो सबसे पहले मैं अपने पिंपल के ऊपर, और जो अगर कुछ दाग धब्बा अगर कुछ दिख रहा है ना स्किन में, जस्ट उसके ऊपर ही इसे कंसीलर को अप्लाई करूँगी। और फिर फिंगर के हेल्प से आपको जस्ट इसे डैब करना है, स्प्रेड नहीं करना है। सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, आई एम यूजिंग दिस मेबिलिन फिट मी फाउंडेशन और मेरा शेड इसमें 128 है। और ये जो फाउंडेशन और ये प्राइमर है ना, ये सेम है एक्चुअली। मैट प्लस पोरलेस प्राइमर ही था ये, नॉर्मल टू ऑयली स्किन, और ये भी नॉर्मल टू ऑयली स्किन के लिए मैट प्लस पोरलेस है। और इसमें SPF 22 है, इसमें SPF 20 था। तो बेसिकली फाउंडेशन इसी सीरीज़ में है मेबिलिन के। तो मैं थोड़ा सा इसका फाउंडेशन यहाँ पे अपने हैंड में ले रही हूँ, और क्योंकि फेस्टिवल है तो इसमें मैं क्या कर रही हूँ ना, एंड बाय वे की प्रो स्ट्रोब क्रीम है ये गोल्ड स्पायर में, इसे मैं इस फाउंडेशन के साथ मिक्स कर लूँगी। तो स्ट्रोब क्रीम को मैंने अपने फाउंडेशन के साथ अच्छे से मिक्स कर लिया है और अब मैं इसे अपने फेस पे अप्लाई करूँगी। सो आज मैं अपने ब्यूटी ब्लेंडर के हेल्प से इसे ब्लेंड करूँगी। नॉर्मली मैं ब्रश यूज़ करती हूँ पर आज मैं ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ कर रही हूँ। और ये जो ब्यूटी ब्लेंडर है ना, ये जूडियो से मैंने परचेज़ किया था और इसे भी मैं फ़र्स्ट टाइम ही यूज़ कर रही हूँ इस वीडियो में। जूडियो हॉल आने वाला है, वो आपको आई थिंक नेक्स्ट मंथ तक अपलोड होगा मेरे चैनल पर। और जूडियो के मैं काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स इस वीडियो में यूज़ करने वाली हूँ आज। ये ब्यूटी ब्लेंडर काफ़ी अच्छा है, आप देखो कितना अच्छा इसने फिनिश दिया है इस ब्यूटी ब्लेंडर ने, और काफ़ी स्पॉन्जी और मतलब काफ़ी अच्छी क्वालिटी का ब्यूटी ब्लेंडर है। जूडियो से मैंने परचेज़ किया था, कितने का था हॉल में आपको देखने को मिलेगा। खैर, फिर नेक्स्ट अब हम कर लेते हैं कंसील अपने फेस को। सीलर अगेन मैं सेम स्विस ब्यूटी का कंसीलर यूज़ कर रही हूँ, 03 लाइट मोयन मेरा शेड है इसमें। कंसीलर को भी आज ना मैं इसी ब्लेंडर से ब्लेंड करूँगी, नॉर्मली मैं फिंगर से ब्लेंड करती थी। ओके, तो नेक्स्ट मैं ले रही हूँ मेबिलिन फिट मी का कॉम्पैक्ट पाउडर और इसमें मेरा शेड 115 आइवरी है। इसका जो स्पॉन्ज है ना, मैं इसी की हेल्प से अपना मेकअप सेट कर लूँगी। और बेसिकली मैं कॉम्पैक्ट वही यूज़ करूँगी जहाँ पे मैंने
कंसीलर अप्लाई किया है। अब मैं नेक्स्ट अपने फेस की कॉन्टोरिंग कर लेती हूँ। कॉन्टोरिंग से पहले ना मैंने ये जूडियो से ही फिनिशिंग पाउडर परचेज़ किया था, तो इसे भी मैं आज ट्राई करना चाहती हूँ, देखती हूँ कि कैसा वर्क करता है। तो नेक्स्ट कॉन्टोरिंग कर लेते हैं अपने फेस की पहले। तो कॉन्टोरिंग के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ अगेन एन बाय वे की फेस पैलेट, और इसमें मुझे तीनों चीज़ें मिल जाती हैं, ब्लश, हाइलाइटर एंड कॉन्टोरिंग। इसी पैलेट से मैं ब्लश ले रही हूँ और इसे भी मैं अप्लाई कर लूँगी। ओके, तो अब जो मेरा ये मैंने फिनिशिंग पाउडर यूज़ किया था ना, इसे मैं निकाल लूँगी अपने फेस से। तो मेरा ब्लश इज़ डन। अगर आपको लगता है ना कि आपको थोड़ा सा और ज़्यादा ब्लश लगाना है तो आप लगा सकते हो, बट मैं अभी लाइट ही रख रही हूँ इसे, क्योंकि मुझे लाइट ही चाहिए। और जो ये फिनिश करने के लिए ना मैं इस टाइम पे फिनिशिंग पाउडर को यूज़ कर रही हूँ, जो जूडियो से मैंने फिनिशिंग पाउडर लिया ना, इसकी हेल्प से मैं इसे क्लीन कर रही हूँ नीचे को। सो ब्लश लग गया है, अब मैं हाइलाइटर इसी पैलेट से ये वाला हाइलाइटर यूज़ कर रही हूँ। थोड़ा सा अपने नोज़ पे लगाऊंगी और थोड़ा सा फोरहेड पे। मेरा जो फेस मेकअप है, बेसिक जो बेस है, वो रेडी हो चुका है। अब अपने ब्रोज़ को सेट करने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ स्विस ब्यूटी शेप माय ब्रो की पैलेट। सबसे पहले मैं इस तरीके से स्पूली ले लूँगी और इससे अपने हेयर को ऊपर की तरफ को कम कर दूँगी। जो मेरे आईब्रोज है ना, इन्हें ऊपर की तरफ को कम कर दूँगी। और अब मैं ना ये वाला कलर ले रही हूँ, दिस कलर, और इस कलर को मैं ऐसे लाइन ड्रॉ करूँगी एंड इस तरीके से लाइन ड्रॉ करूँगी, और सेम चीज़ मैं यहाँ पे करूँगी। फिर मैं ये स्पूली लूँगी और अपने हेयर को ऊपर के डायरेक्शन में कॉम कर दूँगी। ओके गाइस, आईब्रो इज सेट। अब मैं अगले स्टेप की तरफ जा रही हूँ, विच इज़ आई शेडो। सो आई शेडो अप्लाई करने के लिए सबसे पहले मैं यूज़ कर रही हूँ ये स्विस ब्यूटी की आई शेडो पैलेट, अल्टीमेट आई शेडो पैलेट, और इसमें मैं ये वाला कलर जो है ना, सबसे लाइट कलर, ये वाला कलर यूज़ कर रही हूँ। और इसे मैं इस तरीके के एप्लीकेटर में ले रही हूँ, जो कि आई शेडो एप्लीकेटर है। मैं इसे ऐसे अप्लाई करूँगी और अब मैं इस तरीके से एंगल क्रीज ब्रश लेके इसे ब्लेंड कर लूँगी। ओके, तो नेक्स्ट मैं इससे थोड़ा सा डार्क शेड ले रही हूँ, दिस वन, और मैं इसे इसी एप्लीकेटर में लेके अपने आई के जो सॉकेट एरिया ना, इसमें और अंदर की तरफ यूज़ कर लूँगी लाइक दिस। एंड अगेन अब मैं थोड़ा इससे भी डार्क शेड, ये वाला शेड, इसे लूँगी इसी एप्लीकेटर में, और मैं इसे और अंदर की तरफ अप्लाई कर लूँगी और सेम ब्लेंडिंग ब्रश से। अब मैं ये जो सबसे डार्क शेड है ना इस पैलेट में, इसे लूँगी और जिस तरीके से मैंने इस आई पे ये किया है, सेम चीज़ मैं इस आई में भी रिपीट कर लेती हूँ। ये कफ एंड लैशेस की आई किट ले रही हूँ और इसमें ना थोड़ा सा ये गोल्डन कलर है, थोड़ा सा डार्क गोल्डन है, ये एग्जैक्ट बिल्कुल गोल्डन वाला गोल्डन नहीं है, और मैं इसे अपने सेंटर में, आई के बिल्कुल जस्ट सेंटर में अप्लाई कर रही हूँ। तो नेक्स्ट मैं ले रही हूँ ये स्विस ब्यूटी का
प्रोफेशनल आई शेडो और इसमें शाइनी गोल्डन कलर मेरा शेड है, इसे मैं यूज़ करूँगी अपने इनर पार्ट की तरफ। तो सेम ब्रश से मैं इस आई शेडो को लेके अपने आईज़ के ना इनर साइड पे अप्लाई कर लूँगी। और मैं फिर से वही ब्रश लेके इसे ब्लेंड कर लूँगी, जो एजेस है ना इन्हें सबको ब्लेंड कर लूँगी, सो दैट एक स्मूथ फिनिश आ जाए। और ना मैं स्विस ब्यूटी अल्टीमेट आई शेडो पैलेट से, जो मेरा ये वाला शेड है लाइट पिंक सा शेड है, इसे लेकर अपने इनर कॉर्नर जो मेरे आईज़ के, इसमें अप्लाई कर दूँगी बोथ साइड्स में। नाउ आई एम टेकिंग दिस शेड, दिस कलर शेड, एंड इसे मैं अप्लाई कर लूँगी अपने लोअर जो मेरी वाटर लाइन है ना उस पर भी लेके आ जाऊँगी इस शेडो को, और इसे ना ऊपर जो मेरे आई शेडो है इसके साथ मैं मिला लूँगी। और अब मैं जो ये डार्क शेड है, डार्क ब्राउन शेड, इसे लेके सेम चीज़ करूँगी और इसे भी मैं ऐसे अप्लाई करके तरीके से निकाल लूँगी। सो आई शेडो पार्ट इज़ डन। और अब मैं आई लाइनर लूँगी, ये भी मैं जूडियो का आई लाइनर यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे। और मेरा शेड इसमें है, आई लाइनर में है शिमरी ब्लैक, ये ना थोड़ा सा शिमर है इसमें, और जूडियो के हॉल में आपको ये वाला भी देखने को मिल जाएगा। और इसे मैं फ़र्स्ट टाइम ही यूज़ कर रही हूँ, तो थोड़ा सा ना हमें मोटा गाजर लगाना है। आप देखते जाइए, आपको समझ आ जाएगा। तो गाइस इस तरीके से आपको भी ना मोटा मोटा सा काजल लगाना है, जैसे मैंने मोटा काजल लगाया है। आई एम यूजिंग मेबिलिन का स्काई हाई मस्कारा, और ये मस्कारा ना बहुत ही अच्छा है। अगर आप इस मस्कारा को यूज़ कर रहे हो ना, तो आपको फॉल्स लैशेस लगाने की भी ज़रूरत नहीं लगती है, पर इट्स कम्प्लीटली योर चॉइस कि अगर आप लगाना चाहते हो तो आप लगा भी सकते हो। ओके, सो नेक्स्ट मैं ये NYBK के फेक फॉल्स आई लैशेस जो है वो अप्लाई कर रही हूँ। सो गाइस मेरे फॉल्स लैशेस लग गए हैं, और एक बार फिर से मैं मस्कारा के हेल्प से इन्हें अपने जो ओरिजिनल लैशेस हैं ना उनके साथ कॉम्बाइन कर लूँगी। ओके गाइस, तो मेरा आई लुक कंप्लीट है, और अब मैं चलती हूँ नेक्स्ट स्टेप विच इज़ लिपस्टिक। तो लिपस्टिक के लिए मैं ये जूडियो की लिपस्टिक यूज़ कर रही हूँ, और इसमें मेरा शेड है कैरेमल न्यूड। जूडियो का ये मैं क्लियर क्रिस्टल लेके आई थी, जो कि पीच क्रिस्टल है, ये बेसिकली एक लिप ग्लॉस है। मैं इस लिपस्टिक के ऊपर इसे अप्लाई कर लूँगी। अब लगा लेते हैं बिंदी। ओके, तो गाइस मैं फटाफट से अपने हेयर करके आ जाती हूँ, और मैं इसके साथ वेयर करने वाली हूँ ये खूबसूरत से झुमकास। गाइस मैंने ज्वेलरी पहन ली है, और मैंने अपने हेयर भी बना लिया है। मैंने सिंपल हेयर स्टाइल रखा है, आप चाहे हो तो कोई भी हेयर स्टाइल बना सकते हो इसके साथ। अब मैं बैंगल्स के साथ ये लुक कंप्लीट कर लेती हूँ। मैंने ये बैंगल्स चूज़ किए हैं इस लुक के साथ। आई एम वेरी हैप्पी ये लुक से। आपको कैसा लगा मेरा ये मेकअप लुक, प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताना। इसी के साथ मेरा ये नवरात्रि दुर्गा मेकअप लुक कंप्लीट होता है। आप इस लुक को नवमी, अष्टमी या फिर कभी भी फेस्टिवल में, कहीं आप वेडिंग में जा रहे हो तब भी आप इस लुक को क्रिएट कर सकते हो। अगर आपको मेरा ये मेकअप लुक पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर माय वीडियो। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, और मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।